दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। क्या पवन और मुन्नी दरगाह में फंसेंगे? क्या टेररिस्ट दरगाह पर मौजूद लोगों को करेंगे कैद? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। सलमान खान और हर्षाली ने बजरंगी भाईजान फिल्म में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी कहानी ने इंडियन सिनेमा में तहलका मचा दिया था। और अब जब से बजरंगी भाईजान का सीक्वल अनाउंस हुआ है, तब से इसका क्रेज भी बढ़ता ही जा रहा है। बजरंगी भाईजान की तरह पवन पुत्र भाईजान की कहानी भी दरगाह पर ही शुरू होगी। मुन्नी यानी शाहिदा इसी दरगाह की दुआ की वजह से बोल पा रही है और इसलिए शाहिदा और उसकी माँ एक बार फिर से दरगाह पर सबकी सलामती की दुआ मांगने आते हैं। दूसरी तरफ पवन चतुर्वेदी, जिन्होंने मुन्नी से दरगाह पर जाना सीखा था, वो भी कभी कभी वहाँ आते हैं और ऐसे ही दोनों की मुलाकात उस दरगाह पर एक बार फिर से होती है। शाहिदा का एक नया रूप और उसकी आवाज़ सुनकर पवन को बहुत ज्यादा खुशी होती है। पवन और शाहिदा को एक जगह पर छोड़कर शाहिदा की माँ चूड़ी खरीदने चली जाती है और कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी आवाज से एकदम से कान सुन हो जाते हैं। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। शाहिदा एकदम से भागती है तो पवन उसे रोकने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे आवाज आनी शुरू होती है और तब पवन शाहिदा की बात को समझता है। शाहिदा अपनी माँ को ढूंढ रही होती है लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती और तभी अचानक से कुछ लोग बंदूक लेकर वहाँ सब लोगों को घेर लेते हैं और उन्हें दरगाह के अंदर ले जाते हैं। अब पवन, शाहिदा और बहुत सारे लोग दरगाह के अंदर फंसे हैं, जिन पर आतंकवादियों ने बंदूक तानी हुई है। जब सारे लोग रोने और चिल्लाने लगते हैं तो उनमें से एक गोली चलाता है जो लोगों के पीछे लगी दीवार पर लगती है, जिसकी वजह से सारे लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। और दोस्तों, तब वो आतंकवादी सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने भी शोर किया तो एक गोली उसके नाम की ही होगी, इसलिए अगर अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप बैठे रहो। और जब कुछ औरतें फिर भी बोलने की कोशिश करती हैं तो पवन खुद को रोक नहीं पाता और कहता है कि देखो बहन जी, ये बंदूक वाले भाई साहब ने कहा है कि अगर हम चुप करके बैठे तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, है ना भाई साहब। ये सुनकर वो आतंकवादी पवन से पूछता है कि तुम कौन हो, और हमेशा की तरह सत्यवादी पवन बताता है कि हम पवन कुमार चतुर्वेदी हैं और लोग हमें प्यार से बजरंगी बुलाते हैं। पीछे खड़ी शाहिदा पहले की तरह पवन को होपलेस लुक देती है। ये सुनकर वो आतंकवादी कहता है, बजरंगी तो यहाँ दरगाह पर क्या कर रहे हो? अब इससे पहले कि पवन अपना मुंह खोले, शाहिदा आकर कहती है कि ये हमारे मामू जान है और इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं, हम इन्हीं की सलामती के लिए मन्नत मांगने आए थे। टेररिस्ट को मुन्नी की बात पर विश्वास होता है और वो दूसरी ओर चला जाता है। उसके जाते ही पवन शाहिदा को डांटने लगता है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। शाहिदा पवन को समझाती है कि मामा, अगर उन्हें ये पता लगता कि आप बजरंगबली के भक्त हो और यहाँ दरगाह पर हो तो उनका सबसे पहला निशाना आप पर ही लगेगा। आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं और आप हिंदुस्तानी हिंदू हैं, उन्हें ये बात पता ना चले तो ही बेहतर है। तो पवन कहता है कि लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलना पाप होता है। फिर शाहिदा बड़े ही शान से कहती है कि ठीक है, झूठ बोलने का काम आप मुझ पर छोड़ दो, हमें झूठ बोलने का काफी एक्सपीरियंस है। पवन फिर से एक लेक्चर देने के लिए तैयार होता है लेकिन शाहिदा फिर से उसे चुप करा देती है और कहती है कि अब चुप कर बैठे मामा, हमें अम्मी को भी ढूंढना है। तो कैसी लगी है दोस्तों आपको शाहिदा और पवन की मीठी मीठी नोकझोंक, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।